இப்போ ஆன்லைன் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி வாங்குறது. जी भाई नंबर तेरा 88 निकाल दीजिए भाई। एक छोटी सी एग्जांपल कर रहे थे, पेज नंबर 95 पे एक एग्जांपल कर रहे थे यार, सॉरी पेज नंबर 95। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं? ये फैशन वाला क्वेश्चन कर लिया पेज नंबर 91 पे, तो सही कर लिया जो तो मसला तो नहीं इसमें। ये स्टोरेज करंट कैसे है, एक नजर देखिए इधर पेज नंबर 91। बस यही नहीं किया तो 8,000 का जो रेंट है ये तो कमिटेड कॉस्ट नहीं। लेकिन अगर इसे इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल ना करें स्टोरेज को, तो पर मंथ 11,000 पर रेंट पे दिया जा सकता है। ऐसे वो 11,000 पर मंथ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। और कितने मंथ्स के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? तो 11,000 × 3 is the opportunity cost of using the storage space for this contract rather than किसी rent पे दिया जाए। चलो इधर कंटिन्यू, इधर पेज नंबर 95 पे आइए। फर्दर प्रोसेसिंग आप डिसीजन करवा रहे थे, तभी शुरू किया करें यार, वो तो इकट्ठे होते घंटा लग जाता। बताए कहाँ तक डिसीजन पहुंचा था हमारा? जेपी वन को किसमें कन्वर्ट करना था, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताएं। इस डिसीजन से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया जा सकता है, कितने केजीज हैं? फिफ्टीन थाउजेंड केजीज और मल्टीप्लाइड बाय 18 लोन, 28 लोन या 10 लोन? 18 इंक्रीमेंटल क्यों लोन? इंक्रीमेंटल क्यों लोन? डिसीजन होने क्या लगा? फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें? 10 रुपए पर केजी तो वैसे भी मिल रहे हैं, अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 28 मिलेगा या एक्स्ट्रा 18 मिलेगा? 10 वैसे भी मिल रहा है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो कितना इजाफी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा और फिर डेफिनेटली कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वर्किंग के बाद क्या है ये सिक्स एक्स्ट्रा है इस स्टोरी में? क्या ये जॉइंट कॉस्ट जो है, आई होप कल एक नजर आपने देखा होगा, कोई सवाल नहीं है, तो जॉइंट कॉस्ट अब रेलिवेंट है? क्या हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचे हैं?
या फर्दर प्रोसेस करके बेचें, ज्वाइंट कॉस्ट तो आनी ही आनी है। ज्वाइंट कॉस्ट कैसे कहते हैं? क्या जेपी वन को अगर सेपरेट पॉइंट पे बेचेंगे तो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तब भी इंकर होनी, और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे कौन सी? लेकिन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो हमारे इस फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजन की वजह से इंकर होगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो किस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। चाहे हम जेपी वन एज इट इज बना के बेचें या जेपी वन को एफपी वन में कन्वर्ट करके बेचें, उसने तो फर्क नहीं हुआ किसने, लेकिन किसको हम चेंज कर सकते हैं अपने डिसीजन से? तो इसलिए हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलेगा और फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट इनकर हो। व्हाट इज सिक्स वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर इंटू 15,000 मैंने किया। आगे चले कुछ इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी है, या 120 उधर देखने, कल मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। 120 एज इट इज लो या उसमें सिर्फ 96,000 लो, उसके अंदर भी चले जाए 24,000 के है। नहीं थोड़ा सा जरा सही वर्ड बोल रहा हूँ, एज इट इज लिखा वर्ड और एलोकेट हुई भी इसे। क्या अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग ना भी हो तब भी उसने होना ही है? हाँ ठीक है, फिर वो एलोकेट किसी और पे हो जाएगा। तो हमारी इस डिसीजन से सिर्फ कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा होगा? ये ठीक है सर, कैलकुलेटर पकड़ो। 186,000 देख लें जो फिगर आता है। 186,000 is incremental total cost है, और इसका difference लेंगे तो what is incremental revenue, sorry incremental profit because of this decision? ये क्या decision है? processing कर लेनी चाहिए क्यों? क्या इजाफी रेवेन्यू इस वजह से या इजाफी प्रॉफिट है इस वजह से? सिर्फ रेवेन्यू नहीं है देखना, अगर खर्चे हैं वो भी देखना, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है? तो फिर डिसीजन क्या, हमारी कंक्लूजन क्या है, किस क्या बनाना चाहिए सर? जी क्या बनाना चाहिए सर? वी शुड प्रोसेस एफपी जेपी वन इनटू एफपी वन एंड देन सोल्ड देन सेल इन द मार्केट। लिखे एक लाइन कंप्लीट करें, आपके पास इसी के साथ जगह बनाना था। तो फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन अगर आपसे मांगा तो आप कैसे करेंगे? तो सर देख के लफ्ज ही बोल दें यार, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेंगे, और अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ज्यादा होगा देख के लिखें सर, कुछ ना सोचे। और सर जी इंक्रीमेंटल अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो प्लीज प्रोसेस कर लो। जो लोग लिखते थे पेज नंबर 338 सर निकले।
जी केमिकल के नाम से क्वेश्चन होगा। पेज नंबर क्या बोला मैंने? 338। पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये एंड ऑफ द पेज। आप लोग पढ़िए कभी जरा, एक मिनट आपके सामने चाहिए। जी केमिकल्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। पेन हाथ में रख लें, आराम आराम से पढ़ते जाएं। अल्फा एंड बीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इनटू, या सॉरी, बोथ प्रोडक्ट्स आर सप्लीड अप टू, प्रोसेस्ड अप टू, सॉरी, प्रोसेस्ड अप टू supplied a point and sold without any further processing. Presently, ZCL is considering the following proposals. Expansion of the existing facility by installing a new plant. Translation. एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो मरी है उसको एक्सपेंड कर लें, कैसे? एक नया प्लान लगा लें, लगा लिया है, लगा लें, रहने दें यार। इस नतीजे कैसे पहुंचेंगे? रहने दें, अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो रहने दें। ये कैसे पता चलेगा कि लगा लें या नहीं? वर्किंग करनी पड़ेगा क्या? फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कुछ प्रॉफिट होगा? टेंशन से अगर प्रॉफिट होता है तो लगा लेना चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। अब इस सेकंड लाइन की क्या मतलब? एक रिफाइनिंग प्लांट लगा लें और किसको या किसको रिफाइन करके बेचें? तो बताएं, अल्फा को रिफाइन करके बेचें या बीटा को? ये भी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी, यहाँ दो वर्किंग होंगी। ऊपर वाली सेकंड लाइन पर वापस है। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कि सप्लाइड पॉइंट पे चीजें बिक रही हैं। तो प्रपोजल वन क्या है? नया प्लांट लगा के फर्दर प्रोसेसिंग शुरू करना। एक प्रपोजल सब जी के कि नया प्लांट लगा के बस एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड कर ले। दूसरी प्रपोजल के एक रिफाइनिंग प्लांट लगाया जाए और फिर अल्फा या बीटा को रिफाइन करके बेचा जाए, दोनों को या किसी एक को। और लिखा हुआ, टू असेस द अबव प्रपोजल्स फॉलोइंग डेटा हैज बीन गैदर्ड। नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज नंबर एक, या नंबरिंग नहीं हुई। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, अंडरलाइन कर लो। कौन कौन सा खर्चा हो रहा है, 21 महीने में खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ? डायरेक्ट मटेरियल है ना, बस डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है? वेरिएबल किसे, कन्वर्जन किसे कहते हैं? डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल कन्वर्जन। कन्वर्जन वैसे कहते हैं किसे? लेबर ओवरहेड्स को कहते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल है तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स है। आगे क्या दिया हुआ है? ये जो फिगर्स दिखाई दी हुई, ये रुपीज है, घंटे हुए,
15 मिलियन है शायद, थाउजेंड्स में डाटा, फिर 4.89 मिलियन है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, किस चीज का रेट दिया हुआ, ये वेरिएबल कन्वर्जन का एक रेट दिया, रेट है घंटे घंटे आ सकते, कैसे कर दे जरा सॉल्व। कॉस्ट निकाल जा सकते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाय पर आवर रेट, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, अल्फा और बीटा के कितने लीटर्स बनाए गए और एक लीटर की सेल प्राइस दी गई। ये सर अगले अंडर अंडरलाइन करें, ज्वाइंट कॉस्ट आर अपोर्शन बिटवीन अल्फा एंड बीटा बेस्ड ऑन वेट ऑफ देयर आउटपुट, ठीक है यूनिट बेसिस, लेकिन यहाँ यूनिट्स में वेट ऑफ द आउटपुट लीटर्स में, तो क्या लीटर्स का प्रोपोर्शन बना के ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट की जाती है। आगे बढ़ो, डिटेल ऑफ द प्रपोज्ड प्लान्स आर एज फॉलोज, डिटेल ऑफ द प्रपोज्ड प्लान्स इज एज फॉलोज, कौन कौन से प्लान्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पहले पढ़े, कैपेसिटी इन मशीन आवर्स पर मंथ क्या है, ये 5,000 क्या है ये सामने जो लिखा है, अगर हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करेंगे तो कितने मशीन आवर्स पर मंथ अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे ही है सही बोला मैं, फिर नीचे के थाउजेंड में रुपीज दिए हैं, कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इंस्टॉलेशन 20 मिलियन रुपीज का क्या आएगा, प्लांट आएगी उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्या ये प्लांट अभी लेना, ले लिया यार, डिसीजन हो रहा है ना अभी तो, एस्टिमेटेड एज वेल एट द एंड ऑफ द लाइफ 1400, एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट पर मंथ 250,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट 20 ईयर्स, अगर उधर देखेंगे तो रिफाइनिंग प्लांट में भी 5,000 घंटे की कैपेसिटी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट जरा ज्यादा लग रही है, रेजिडुअल वैल्यूज डिफरेंट है, एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट पर मंथ भी डिफरेंट है, लाइफ सेम। आगे एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ द रिफाइंड प्रोडक्ट्स क्या है, ये कब इंकर होगी, अगर रिफाइनिंग का डिसीजन लेंगे तो एक लीटर डाटा देखनी चाहिए, अल्फा और बीटा के रिफाइन होने के बाद कितने कितने का बिकेगा ढूंढ के जरा बताएंगे, और क्या जो नजर आया बस वही होगा, और एक लीटर को रिफाइन करने में कैलकुलेटर उठाए कितना खर्चा आएगा, सिर्फ 90 आएगा या 68 भी आएगा, तो टोटल कितना आएगा सर, व्हाट इज 158 एंड व्हाट इज 125 प्लस 80, बीटा के रिफाइनिंग का खर्चा, ठीक है तो ये खर्चे कब होंगे, अगर रिफाइनिंग करेंगे और फिर एक लीटर बिकेगा कितने का, 1380 और 1525, पिछले पेज पर जाएंगे, पिछले पेज पर एक डाटा होता, एग्जिस्टिंग सेल प्राइस क्या है, 1000 है और 1125 है, और रिफाइन करने के बाद क्या कुछ एक्स्ट्रा बचता, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, तो ये डिसीजन लेने के लिए कि हम ये रिफाइनिंग करें या ना करें
हमें शायद बाकी सारी चीजें भी देखनी चाहिए. देर वुड बी नो लॉस ड्यूरिंग द रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में भी लॉस नहीं है. एंड देर इज एडिक्वेट डिमांड फॉर द अल्फा बीटा एट सप्लिटर पॉइंट, मतलब मीन्स उसे अगर आप सप्लिटर पॉइंट पर बेचना चाहते हैं तो भेज देंगे, और अगर रिफाइन करके भी भेजें तो मतलब लिमिटेशन ऑफ डिमांड नहीं. अब आएंगे रिक्वायरमेंट पर. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे शुरू हो गए हैं जिन्हें पढ़ के मजा तो बड़ा आएगा, कि सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन असल इशू ये होगा कि सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब बनाना. तो रिक्वायरमेंट क्या, सर जी आपके सामने है शाहब साहब, ये क्या बात हुई, आपके सामने रुपीस पर लीटर दिए हैं, 1 लीटर के रुपीस है, अल्फा बीटा दोनों के. हमने सर ये करना के इवेल्युएट द अबव प्रपोजल्स एंड गिव रिकमेंडेशंस. आप ढूंढ के एक जरा बताएं प्रपोजल्स हैं कौन से. प्रपोजल्स हैं कौन कौन से, वैसे तीन बन जाएंगी ये. पिछले पेज पे ध्यान रखना, एक तो है एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, दूसरी है इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट, और शायद एक काम पहले होना चाहिए तो डिसाइड टू सेल आई अल्फा, क्योंकि रिफाइनिंग प्लांट लगा के अल्फा प्रोसेस करें, और फिर एक शायद डिसीजन और उसने कहा दोनों को इकट्ठा नहीं कर, तो फिर एक काम क्या हो गया इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल बीटा आफ्टर रिफाइनिंग. तो दोनों मतलब दोनों में सेकंड में भी दो निकला नहीं. इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल अल्फा एंड बीटा ऑफ द रिफाइनिंग, अगर होता फिर हम इकट्ठा डिसीजन लेते ना कि दोनों को अगर करना है तो फिर क्या बचता है, लेकिन यह वो क्या कहता है आइदर अल्फा आफ्टर रिफाइनिंग और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग. तो कोशिश करें कीजिएगा कैंडली, कुछ बातें पहले हो चुकी हैं और कुछ जो अब नहीं आएंगी इनको सही अपने कॉन्टेक्स्ट में क्लियर किया जा सके, तो आपके आपके कंसंट्रेशन का इनिशियल इम्तिहान होगा. करना हमने क्या रिक्वायरमेंट में करना क्या, देखिए ये है वही जॉइंट बाय प्रोडक्ट, लेकिन हमने वो नहीं करना जो हम वहां करते थे. स्टार्ट पे जाए, मेरे ख्याल आपके पास पेज नंबर 339 पे 338 है ना पेज, नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे जाए जहाँ पे डाटा शुरू हुआ. नहीं इसी में यार, जिस तरह सवाल पढ़े यार, दो सफों में सवाल मुहित है, मतलब इसके स्टार्ट में 339 के आपको एक दिसंबर का एक्चुअल डाटा दिया और फिर दिसंबर के एक्चुअल प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस की दी. यकीनन एक सवाल ये भी हो सकता था कि आप एलोकेट कर दें जॉइंट कॉस्ट का अल्फा और बीटा कर दें, दिसंबर की एलोकेशन कर, वो भी हो सकता था, शायद हम वही करते थे पहले, लेकिन अब हमें करना क्या है, हमने फ्यूचर का एक डिसीजन लेना बेस्ड ऑन दिस डेटा, हमने फ्यूचर में जाना और ये देखना है कि किस प्रपोजल में ज्यादा बचता है. ठीक है, क्योंकि जॉइंट बाय प्रोडक्ट की स्टोरी तो है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के साथ इन्वॉल्व है, तो हमसे वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो जॉइंट बाय प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट होती है. क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कोई अगर बता सको, कॉस्ट एलोकेशन करें या प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट जो पीरियड में गुजर गया उसका एलोकेशन कर दें, प्रॉफिट बता दें, हर प्रोडक्ट का बता दें, प्रोडक्ट वाइज एलोकेशन कर दें. तो यहाँ शायद हमें करनी तो पड़े लेकिन वो किस लिए करनी पड़ेगी, फ्यूचर के डिसीजन के लिए. ठीक है, तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लिख के शुरू करते हैं. जी केमिकल्स लिमिटेड, Z Chemical Limited evaluation of proposals. ये proposal one, expansion of existing facility. अगर एक्सपेंशन करेंगे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की तो अल्फा और बीटा को सप्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचेंगे
या फर्दर प्रोसेस करके बेचना, तो बार बार सवाल देखना अपने कारण। वो एक दूसरी प्रपोजल है कि क्या करें, इंस्टॉल करें या फिर रिफाइन करें। एक ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू सेल अल्फा एंड बीटा एक्सपेक्टेड फॉर। अब डाटा सेट आपके सामने, कुछ आप स्टार्ट कराओगे, क्या करें? ये सवाल बगैर सोचे भी खत्म हो जाना है। जिंदगी अगर मेरी रह गई, टाइम हमारे पास आ गया, तो वक्त तो गुजर जाना। तो वक्त गुजारने दो तरीके हैं, एक तो एक बोर्ड पे इंतजार करें देख के, और एक ये है कि कोशिश करें सोचने की। गलत सही वाली डेफिनेटली कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या चीज जहन में रखें, एक्सपेंशन मतलब इस नीचे वो डेटा जो है वो रिफाइनिंग प्लांट वगैरह के लिए, एक्सपेंशन जहन में रखें। हमें क्या देखना चाहिए, इस एक्सपेंशन के रिजल्ट में क्या बचेगा, तो क्या बचे तक कैसे पहुंचेंगे, क्या एक्सपेंशन करके कुछ बनाया जा सकता, क्या बना लेंगे हम, अल्फा बीटा बना लेंगे, क्या अल्फा बीटा बनाने पे कोई खर्चा होगा, क्या अल्फा बीटा बना के किसी अमाउंट पे बेच सकते हैं, किस अमाउंट पे बेच सकते हैं सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं, जजाकल्लाह मेहरबानी, सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं। आगे किस प्राइस पे बेचा जा सकता है, 1000 रुपए और 1125 पे। एक्सपेंशन के रिजल्ट में हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी आ जाएगी, ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट होगा। 5000 लीटर बना लेंगे या घंटे अवेलेबल है, 5000 घंटे हैं एक्सपेंशन के जरिए। शायद देखना ये चाहिए कि इन 5000 घंटों में हम अल्फा और बीटा के कितने और लीटर्स बना लेंगे, फिर उन लीटर्स को कितने पे बेच देंगे, और उन लीटर्स को बनाने के लिए हमें कितने एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे, क्या ख्याल है? दोबारा देखें डाटा, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऐसे लिख दूं और बात खत्म हो जाए, कुछ ख्वाहिश मेरी यही है कि हम इंडिविजुअली कुछ कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करें। जी सर, तो चेक करें कि 5000 घंटों में कितने लीटर बना लेंगे। yes, क्या कहीं से ये ढूंढ सकते हैं आपके इस वक्त कितने टाइम में कितने लीटर बनते हैं, ढूंढने का कोई डाटा ढूंढा? हमें हमारे पास एक दिसंबर का डाटा है, दिसंबर में हमने कितने लीटर बना लिए, 11300 किसके बनाए हैं, अल्फा के, और 14700 किसके बनाए हैं, बीटा के, टोटल के अंदर 26000 लीटर बने हैं। अब कहीं से सर्च लगाएं, कहीं टाइम अवेलेबल है कि कितने टाइम में बने हैं, कितने घंटों में, शाह साहब ये तो बात आप बिल्कुल ठीक है, एक मंथ में बनाएंगे, लेकिन एक मंथ में कितने घंटों में ये 26000 लीटर बने, 26000 लीटर सबने निकाल लिए सर, कैसे सर?
26,000 लीटर्स हैं जी टोटल, एक हमारे पास यहाँ आर्ली डेटा है। 4890 4890000 में था, डिवाइडेड बाय क्या करो, क्यों किया डिवाइड बाय मैंने, पर आर, पर आर। एक लीटर के आर्स आ गए, तो कंप्लीट सरेंडर है सर। 21 तकरीबन 261 आर्स आ गए। इन आर्स में कितने लीटर्स बने, 26,000। लिख लेते हैं मार्किंग्स, लिख लेते हैं मार्किंग्स, इतना इशू नहीं है, पहले बात समझने की कोशिश करें। ठीक है सर, यहाँ अब सर यहाँ से ये देखा जा सकता है, पहले मेरा क्वेश्चन सुनिएगा क्योंकि इसी में मिस्टेक होती है और बार बार कर रहे हैं हम। अगर मैं ये देखना चाहूँ, ये वर्किंग्स ले ना दोनों 26,000 और 21,000, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एक लीटर को बनाने का टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, एक लीटर को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। नहीं पहले ये मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, बाद में कर लीजिएगा जगह करना। लीटर्स पर आर, ये ढूंढो, ये ढूंढो आर्स पर लीटर, लीटर्स पर आर क्या मतलब, ट्रांसलेशन करें, लीटर्स पर आर या आर्स पर लीटर। वैसे सोचा जरा, 26,000 क्या है लीटर और 21,000 समथिंग के घंटे, क्या एक लीटर को बनाने में एक से ज्यादा घंटा लगता है, पहले ये सोचो। जो फिगर एज इट इज देखो, क्या कम टाइम में ज्यादा लीटर बनेगा, और यकीन मान गलती सही बोल दी है मैंने, 21,000 घंटे और 26,000 लीटर है, ज्यादा टाइम में कम लीटर बने हुए एंड वाइस वर्सा, नामुमकिन है ये सोचना। 26,000 कम है और 21,000 ज्यादा है, पॉइंट नोट, डिसीजन मेकिंग में पॉइंट आया कि 26,000 कम होता है और 21,000 ज्यादा। बस करें सर, हमारे साथ जुल्म है, सुबह सुबह हम नहीं उठे हुए, क्या लीटर ज्यादा बने हैं या घंटे ज्यादा हैं, तो करेंगे क्या, फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। नहीं मैं नहीं ये करना चाह रहा, मैं पूरा करना चाह रहा, लीटर्स पर आर, फार्मूला क्या बना रहा हूं, लीटर्स लूंगा और डिवाइड बाय आर्स कर दूंगा, क्या देखना क्या चाहता हूं, व्हाट इज द टाइम पर लीटर। 26,000 लिखे, क्या है 26,000, 26,000 क्या है, 26,000 क्या है, लीटर्स डिवाइडेड बाय, अब राउंड ऑफ कैंडी कीजिएगा और इस पर कोई बहस नहीं, 1.22 पूरा बोला लीटर्स पर वन आर, वन कहां से आ गया, पर वन आर, पर आर नाम से लिख लीजिएगा, कोई वर्किंग्स नहीं है, लिखने वाली कोई बहस नहीं है। अब क्या फैसला हो सकता है, आगे चलें थोड़ा सा, अब अगर हमें ये पता चल गया कि एक घंटे में कितने लीटर बनते हैं, तो कब 5,000 घंटों में लीटर्स निकाले जा सकते हैं, कैसे करें, करें हिम्मत करें, हिम्मत करें, सोचें जरा कुछ, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 घंटों में कितने लीटर बनेंगे जी मिस्टर शाह, कैसे करें, एक घंटे में अगर 1.22 लीटर बनने, तो क्या 5,000 घंटों में ज्यादा लीटर बनेंगे 5,000 से, कम बनेंगे यार, वजह क्योंकि एक घंटे में एक से ज्यादा लीटर बनते हैं, तो 5,000 इंटू 1.22 अप्रोक्सीमेटली 6,100 लीटर्स। मैं फटाफट लिख लूं कहीं मिट ना जाए,
नेक्स्ट डिसीजन अभी रहता है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है यहाँ पर। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये जो 61,000 लीटर है, ये अल्फा का है या बीटा का? देखिए हमने वर्किंग कहाँ से शुरू की, 26,000 से यहां तक आए, पर फिर यहाँ आए, यहाँ आ गए। अब 6,100 जो लीटर है ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, अल्फा और बीटा का? और अब यहाँ मसला क्या है, ये 6,100 लीटर्स जरा क्वेश्चन दोबारा देखें, इनकी सेम सेल प्राइस नहीं है, इसमें अल्फा की सेल प्राइस और है और बीटा की और है, बोलेंगे क्या क्या है? 1,000 है और, तो अब हमें इसका ब्रेकअप चाहिए कि इसमें अल्फा के कितने होंगे और बीटा के कितने होंगे। और एक और चैलेंज आपके सामने, लेकिन मेरा ख्याल आप सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या हमें ये पता है कि 26,000 में अल्फा और बीटा के कितने लीटर है? अगर 26,000 लीटर बने तो अल्फा के कितने बनते हैं और बीटा के कितने बनते हैं? तो क्या ये फैसला किया जा सकता है कि 6,100 में अल्फा और बीटा के कितने कितने लीटर होंगे, कैसे? नहीं, एक तो को बताने, बाद में फिर आप करते रहिएगा, बाद में लिख लीजिएगा सर। क्या करेंगे आप? 11,300 क्या है ये? 11,300 क्या है? नहीं, ये लीटर है, अल्फा के लीटर है, डिवाइड बाय 26,000 लीटर, इससे क्या निकलेगा? लीटर्स का आपस में प्रपोर्शन निकलेगा और मल्टीप्लाइड बाय 6,100 लीटर। अब आप यहां तक जो चीजें मैंने लिखी हैं और जिस तरतीब से लिखी हैं, एक मिनट पहले लिख लें, बताएंगे किस तरतीब से यहां तक पहुंचे हैं? पहले ये बताएं मुझे, हम किस तरतीब से यहां तक पहुंचे? हमने सबसे पहले जहन में ये लाए हम कि हमारी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी, एक्सपेंशन कैपेसिटी है, एक्सपेंशन कैपेसिटी है 5,000। तो उस 5,000 आवर्स को हमने जेन रख के फिर अपनी आर्मी पहले वर्किंग की है। तो सबसे पहले आप हेडिंग ये लिखेंगे, एक मिनट मैं बता दूं जिस तरतीब से लिखें ताकि आप रिवाइज करें तो सही कॉन्टेक्स्ट में आ रहे। सबसे पहले मैं यहां तक पहुंचा, फिर नंबर टू शायद हमने कुछ लीटर्स की वर्किंग की कि लीटर्स बने कितने, ऐसे ही सर। फिर थर्ड स्टेप कितने घंटों में बने, ऐसे ही। फिर नेक्स्ट बोलें क्या किया हमने, फिर हमने क्या निकाला फोर्थ स्टेप, फिर हमने लीटर्स पर आर निकाले, और फिर फाइनली हमने अपने कैपेसिटी आर्स में लीटर्स की वर्किंग कर ली कि हम कितने और लीटर बना सकेंगे, और फाइनली फिर अब हम क्या करने लगे, इन लीटर्स की एक एलोकेशन करने लगे या प्रोपोर्शन करने, इन लीटर्स का एक हम ब्रेकअप करने लगे। देखना अगर कोई और वर्ड अच्छा लगता है, हम इन लीटर्स का ब्रेकअप करने लगे बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो ये मेरा ख्याल अब स्टेप नंबर 6 कर रहे, मतलब इस तरतीब से लेके तो फाइनली अब एलोकेशन कर। तो चीजें सारी ऐसी हैं जिसमें फुल इन्वॉल्व होना पड़ता है और खुदा ना खासा को बोझ नहीं पड़ाई, इसको एंजॉय करना पड़ता है जैसे भी हो सके। नहीं, आप अपने रजिस्टर पर नोट कर, मतलब एक हेडिंग हमने लिख ली थी, मैं उसी एक्सपेंशन में है ना ये सारी स्टोरी। जब मेरा ख्याल बेटा एट द एंड मेरा ख्याल जरूर राउंड ऑफ कर लेने चाहिए चीजें, आप लोग करें कंप्लीट अपना। अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा
अब करें या करें एंड तक पहुंचे। ये अगर नोट करें तो बता दीजिए। अल्फा के लीटर्स आ जाएंगे फाइनली। कौन सा है अभी है पीछे? 2 6 5। ये डेफिनेटली सही। अगर ये एक ही सेल प्राइस होती तो शायद फिर हमें इन लीटर्स का ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ही किसी एक ही चीज की किसी एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती तो इसी ने फिर बिकना है और इसी ने शायद बनना। तो 2651 एंड रिस्पेक्टिवली 3449 राउंड ऑफ कर लीजिएगा। हाँ जी सर, हमें घंटों में कैपेसिटी दी हुई है। अब ये 2651 और 3449 फाइनली है क्या? और सर ये क्या है? लीटर है सर, पहले लीटर है बस, मैंने और कुछ भी नहीं पूछा, बस ये लीटर है। यकीन माने ये लीटर है, ये सिर्फ लीटर है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। 6100 जो लीटर बनेंगे ये उनका ब्रेकअप है, यानी कि उसमें ये होंगे। तो क्या इन ये कि अब हमें सेल प्राइस पता? सेल प्राइस पता है सर? अब बताएं हमें क्या पता होना चाहिए। अब सेल प्राइस तो हमें पता है वो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा को बनाने में खर्चा कितना है? ऐसे ही तो अब हमें इनकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कोई हेल्प करेंगे? कहीं नजर आती है कहीं कोई कॉस्ट? अब शायद आप आगे इजीली बढ़ सकते हैं, बताएं जरा कुछ बताएं। नहीं, एक तो वो एक्सपेंशन के खर्चे हैं ना, एक्सपेंशन के खर्चे हैं, हमें नया प्लांट लेना पड़ेगा। क्या नए प्लांट की कोई डेप्रिसिएशन रेलिवेंट बनेगी? क्या एडिशनल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है? लेकिन क्या बनाने का भी कोई खर्चा आना है? बनाने का भी कोई खर्चा आना है? 90 और 68 नहीं आना है, वो रिफाइनिंग है यार, वो खुदा के लिए। वो कब आना है? जब प्रपोजल 2 शुरू होनी है। रिफाइनिंग कर रहे हैं हम इस वक्त, ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन करने में हमें स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना है या फर्दर प्रोसेस करके बेचना है? तो स्प्लिट ऑफ पे बेचना। तो क्या इन चीजों को बनाने के लिए तो खर्चे करने पड़ते हैं? वो तो एक्स्ट्रा है ना, वो तो एक्सपेंशन के एक्स्ट्रा खर्चे डेफिनेटली कंसिडर होने चाहिए। चलो वो बता दो, एक्सपेंशन के एक्स्ट्रा खर्चे कंसिडर होने चाहिए, तो वो तो होने चाहिए ना। लेकिन बनाने के भी क्या खर्चे आएंगे? क्या अगर हम ये एक्स्ट्रा लीटर बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? एग्जिस्टिंग मटेरियल लगेगा ज्यादा, कन्वर्जन वेरिएबल ज्यादा लगेगी और फिक्स भी तो ज्यादा लगेगी। एक फिक्स ढूंढने जरा, अगर हम ज्यादा लीटर बनाएंगे, कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा लीटर बनाएंगे तो क्या मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा? क्या वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी? और फिक्स कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग है क्या ये भी कंसिडर होनी चाहिए? क्या ये भी कंसिडर होनी चाहिए इस एक्सपेंशन के डिसीजन में? अगर फर्ज करें वो आपसे कहता आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिसंबर को
ज्वाइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करते हैं। रिपीट करेंगे मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज रिपीट कर देंगे सर। तो देन बड़े ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, ये सिंपल कॉस्टिंग हो रही है, तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट लेंगे, बचपन से लेते रहे हैं हम इस वक्त किस चक्कर में पड़े हुए, फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हैं हम। क्या एक्सपेंशन अगर करेंगे तो इस एक्सपेंशन के रिजल्ट में एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, अल्फा को बनाने में एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, एक्स्ट्रा लेबर लगेगी, लेकिन क्या एक्स्ट्रा नहीं लगेगा? एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा नहीं। हाँ नीचे आए जरा, क्या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट में है कोई इजाफा? क्या प्लांट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी रेलिवेंट हो जाएगी? अब हमें क्या चाहिए असल में? अब हमें शायद कॉस्ट पर लीटर चाहिए, लेकिन कॉस्ट पर लीटर मींस वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर या फिक्स कॉस्ट पर लीटर? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं? क्योंकि उसने अब हमारे इस डिसीजन से चेंज नहीं होना। किस लेकिन फिक्स कॉस्ट में जो एग्जिस्टिंग है, तो मैं अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग के एंगल से वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर की वर्किंग करूंगा। अपने जहन में एक इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा, फिर शायद हम एक कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, और कंट्रीब्यूशन के बाद फिर हम सिर्फ कौन से फिक्स कॉस्ट कंसिडर करेंगे जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, उसको जरा बोल दें वो कहाँ कहाँ है। लेकिन प्लीज एक्सपेंशन हो रही है, सिर्फ एक्सपेंशन हो रही है। एक तो 250 पर मंथ है, और देन फिर एक डेप्रिसिएशन बनेगी, तो इसको हम कंसिडर जरूर करेंगे अपनी किस वर्किंग में, इस एक्सपेंशन की वर्किंग। तो फिलहाल हम कहाँ रुक गए? अब बोल दें वर्ड प्लीज यार, क्या फाइंड आउट करने लगा मैं? मैं लिखता हूँ सर, ये मेरा ही काम है, मैं खुद ही करता हूँ। अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर। किसकी? अल्फा बीटा की अलग वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर होने की कैलकुलेट करने की वजह के ना करें यार, सीधी सी बात है, पता है इधर किधर कभी किधर, उसके लीटर डिफरेंट नहीं यार। जब वेरिएबल कॉस्ट अल्फा की आएगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी? 2651 से, और बीटा की आएगी वो उससे मल्टीप्लाई होगी, तो उनके लीटर डिफरेंट है। कैसे पहुंचो यहाँ तक? एलोकेशन होगी सर, कौन सी एलोकेशन? हाँ जी, किस किस बेस पे एलोकेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? छोड़ दे लिखना, छोड़ दे, फिर लिख लीजिए आराम से। ढूंढने जरा कहीं डाटा, वेट की बेस पे एलोकेशन होती है, तो व्हाट इज द वेट? अब वेट किस में दिया हुआ, केजीज में या लीटर्स में? तो कितने लीटर्स? 26 सर, टोटल 26। उसका ब्रेकअप, व्हाई दिस ब्रेकअप इज रेलेवेंट? अब मुझे क्या करना है, अल्फा और बीटा का खर्चा अलग करना है, अल्फा और बीटा का खर्चा अलग करना है, ताकि मैं फिर उसका अलग पर लीटर निकाल सकूं। तो उसके लिए मेथड कौन सा बताया उसने? फिजिकल क्वांटिटी। आपको पता अमाउंट है कितनी जिसे एलोकेट करके हमने वर्किंग करनी है? कैलकुलेटर है, 15,000 प्लस 4890 और प्लस 15 मिलियन प्लस 4890 ट्रिपल जीरो। अब डेफिनेटली थाउजेंड्स वगैरह में हो सकता है, लेकिन मैं उस इस साइंस को थाउजेंड में लेके जा रहा हूँ, और प्लस 2600। और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, डन है सर, डन है सर। अगर आप कौन सा सवाल कर रहे होते हैं तो ये डन है। नहीं, जॉइंट बाय प्रोडक्ट का कोई सवाल नहीं यार, खुदा के लिए बेटा ऐसे ना करो, कंसंट्रेट करिए। ये रटा हुआ जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल कर रहे, अगर हम ये सवाल कर रहे होते कि एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ दिसंबर टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, और क्वेश्चन साइलेंट होता, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अज्यूम करते। लेकिन अगर वहां भी क्वेश्चन पुकार रहा होता मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इवन देन ये 26 मिलियन पीरियड कॉस्ट कंसिडर होता। मैं इस वक्त चाहता क्या हूं
एक लीटर को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाए ताकि मैं फ्यूचर का डिसीजन ले सकूं। और अगर मैंने इस डिसीजन में 26 मिलियन कंसिडर कर लिया तो व्हाट आई मीन्स टू से कि जब ज्यादा लीटर बनेंगे फ्यूचर में तो फिक्स कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी। क्या वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी अगर ज्यादा लीटर बनेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट में प्रोपोर्शनलिटी नहीं आगे बढ़ना, तो मुझे आगे की वर्किंग करनी। तो मैं इस केस में 26 मिलियन प्लीज क्यों कंसिडर नहीं करा, सॉरी 2.6 मिलियन, क्योंकि मैंने डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हमने डिसीजन लेना है, हमने क्या डिसीजन लेना है, क्वेश्चन साइलेंट है, प्लस कर दीजिएगा यार। मुझे जरूर काइंडली एंड में याद कराना है आपने, आज मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, बल्कि शायद रोज ही करता हूँ और इंशाल्लाह कल भी पूरा करूंगा, मैं माजरत कम अज कम कर लिया करूँ। जी सलमान साहब टोटल करके आंसर ही बता दें यार, 19 क्या है ये? हाँ जी ज्वाइंट वेरिएबल कॉस्ट है, क्या एलोकेशन कर लेंगे हम अभी, करें मिनट लगे, किसके बेस पे करनी है एलोकेशन, करें करें करें, लीटर्स के बेस पे। लिख लें सर जी, वर्किंग लिख लें, अब ये स्टेप नंबर 7 हो गया हमारा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा क्लियर है, साथ साथ चल रहे हैं। देखिए इसमें कोई चीज शक नहीं कि नई चीजें हैं, मुश्किल है, इसमें कोई शक ही नहीं, बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से होती है ना, शॉर्ट वर्ड अगर कोई बोले भी तो, और मेजोरिटी तो कहती है हमारा इससे खास ताल्लुक ही कोई नहीं, मैं हरगिज नहीं बोलूंगा, बोलने से बंदा थक जाता है। क्या किया मैंने, किससे क्या प्रपोर्शन बनाया और फिर क्या किया, तो बेटा ये डायरेक्ट मटेरियल ही तो है 15 मिलियन, 15 मिलियन ही तो मैंने लिए, ये मैंने डायरेक्ट मटेरियल भी ले लिया है, मैंने वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कन्वर्जन मीन लेबर ओवरहेड्स वेरिएबल भी ले लिए हैं, तो यहाँ से जब आप वर्किंग हो गई है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, वहां से मैं जब पर यूनिट निकालूंगा तो उसमें मटीरियल लेबर दोनों शामिल है, बल्कि तीनों शायद, मटीरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, इसमें 15 मिलियन डायरेक्ट मटीरियल ही तो है, क्या सिर्फ मटीरियल लगना एक्स्ट्रा, क्या लेबर भी लगनी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगने हैं, अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाए, वो कौन सा खर्चा है जो वेरी करता है, वेरिएबल खर्चे में शामिल क्या क्या होता है, मटेरियल भी लेबर भी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होती है और वेरिएबल ओवरहेड्स होते ही वेरिएबल, सिर्फ कौन सा खर्चा नहीं मैंने लिया, वो क्यों नहीं लिया, बल्कि वो भी कौन सा वाला नहीं लिया जो एग्जिस्टिंग वाला, और कौन सा लेंगे जब वर्किंग करेंगे। अब यहां से फाइनली क्या निकल सकता है सर, हमें इस वक्त जो हेडिंग हमारी है नंबर 7 की, क्या चाहिए, पर लीटर चाहिए, बता देंगे पर लीटर, अब क्वांटिटीज की बेस पे है तो क्वांटिटीज की बेस पे पर लीटर वर्किंग करें कैसे आएगा, फिगर फिगर ठीक है मेरी, प्लीज फिगर ठीक है, ये सेकंड फिगर ठीक है मेरी, 1154 2 4 5 1 1 2 4 5 5 5, ये आंसर आएगा सर 765 और 765। अब दोनों का पर लीटर इसलिए सेम आ गया क्योंकि लीटर्स बेस बनाया हुआ है, बस मैं जरा 19 मिलियन लिखा, जरा 19890 19890 000 क्या है ये, क्या है क्या क्या है, इसको सीधा 26,000 पे डिवाइड करेंगे, और बचपन अगर आप ये ज़हन में लाएं, जरा बचपन, बचपन ऑफ जॉइंट बाय प्रोडक्ट, उस जमाने में डिसाइड ही हुआ था कि
अगर आप क्वांटिटी इसका बेस बनाएंगे तो उसमें फिर अगर क्वांटिटीज अगर बेस बनाएंगे तो हाई वैल्यू आइटम्स हों या लो वैल्यू आइटम्स हों उनको एक जैसी कॉस्ट एलोकेट हो जाती है। इसको अगर याद आ सके, डायमंड्स के जमाने में मैंने बात की, डायमंड्स और गोल्ड बन रहे हैं, तो असूलन वैसे ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ सेल प्राइस को भी कंसिडर किया जाए। बहरहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेफिनेटली आप जिस तरह से कहा गया उसी तरह करेंगे। तो ये सेम आने की रीजन सिर्फ क्या है कि लीटर्स को बेस बनाया हुआ है, तो लीटर्स की बेस पे उनका दोनों का पर लीटर आंसर सेम आ गया। हालांकि देखें जरा सेल प्राइस ढूंढना जरा, हालांकि दोनों की सेल प्राइस में डिफरेंस है, तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता, ये मैं वैसे एक जनरली बीच में बात कर रहा हूँ कि सेल प्राइसेस को भी कंसिडर करके एलोकेशन की जाती। उससे फिर क्या होना था, जिसकी हाई ज्यादा सेल है उसको ज्यादा एलोकेट होना था, जिसको कम है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी को बेस बनाएंगे तो फिर ये एक सेम फिगर इस वजह से आ गई। ठीक है, बहरहाल यहाँ से मेरे ख्याल टाइम हमारे पास अब इतना नहीं है, एक कम अज कम बी रिक्वायरमेंट भी हो जाए जी। इस बताइए क्या करना, स्पीड अप होगा, स्पीड अप सर, स्पीड अप। अब शायद बात हो गई पूरी, क्या क्या मिल गया अब हमें, क्वांटिटी भी मिल गई है, अब हम सॉर्ट ऑफ एक इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे। ऐसे ही सेल लिखवा देंगे तो एक मिनट बाद में लिख लीजिएगा। सेल किस किस की बताए, अल्फा के कितने लीटर बिकेंगे, 2651। ए कितने का बिकेगा सर, कितने का बिकेगा सर, 1000। बीटा 3449 मल्टीप्लाइड बाय 1125। फिगर्स आ रही है, उसकी कोई बहस नहीं। वेरिएबल कॉस्ट लिखवा दें, नहीं अब उसमें जाने की साइंस की जरूरत नहीं है, वो हम वर्किंग कर चुके हैं। अल्फा के कितने लीटर्स, एक लीटर का खर्चा 765, बीटा 3449 मिल रही क्वांटिटीज। यहाँ तक जो भी आएगा कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे आप, मुझे आगे करवा दें जरा, बाद में नोट कीजिए कंट्रीब्यूशन जरा आगे जाए, पहले डाटा पढ़ो। जो भी कंट्रीब्यूशन आएगी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, अब मुझे आगे लिखवाएं जरा कौन सी फिक्स कॉस्ट आप लूं, फिर सही बोल के फाइनल करना। ये एडिशनल लूं या ठीक है डेप्रिसिएशन भी आनी, डेप्रिसिएशन की भी कर लेते हैं। एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी फिर हमारे इस डिसीजन की वजह से। अच्छा ये इस वक्त जो क्वेश्चन हुआ ना सारा, ये पर मंथ के एंगल से वर्किंग हुई है। ये 5000 लीटर ढूंढने जरा, कहीं ये भी पर मंथ है और ऊपर दिसंबर भी पर मंथ है। अब डेफिनेटली अगर हम मल्टीप्लाई बाय 12 करना चाहें तो वो हमारी चॉइस है, लेकिन वो फिर हर जगह हो जाएगा। फिलहाल जो है अगर ये पर मंथ वर्किंग है तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट बताएं कितनी लो, तो 50 लो। और अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कंसिडर करूं, कैलकुलेटर पकड़ो। कैसे वर्किंग करूंगा, फिगर्स बोलो जरा सर, ये फिगर बोले छोड़ दें, ये ना बताइएगा 20 मिलियन। अच्छा थाउजेंड्स में करते हैं, पर मैं थाउजेंड्स में डाटा लिखता हूं। 20 मिलियन मेथड कौन सा यूज करेंगे, वो क्यों, क्योंकि बताया नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे कितनी, 1400। मैं थाउजेंड्स में कर रहा हूं, थाउजेंड्स में ही नहीं सर, डिवाइडेड बाय 20। लेकिन गेम शायद थोड़ी सी ऑन इस वक्त है, डिवाइड बाय 20 से पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी। और अगर मंथ से ही वर्किंग कर रहे हैं तो फिर डिवाइड बाय 12 होना चाहिए सर, या 1 बाय 12 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 77.5 कंप्लीट। तो सब कह जरा, तो टाइम जरा मिनिमम था, जल्दी से लिखो।
ये बड़ा प्रॉफिट तक आ जाए, मेरे प्रॉफिट फाइनली बता दीजिए बस, बाकी मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, आप जरूर सॉल्व करें, मैथ कर लेना सही, मेरी अगर कहीं गलती है तो बताओ। थाउजेंड्स में लिख रहे हैं तो राउंड अप कर रहा हूँ थाउजेंड्स में। हुआ कुछ लेकिन उसे तो उसके साथ रखते यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का चला है। अब अगर राउंडिंग ऑफ का कोई इशू है तो उसको ना साइंस में लीजिएगा प्लीज। इस टाइम के जो क्वेश्चन शुरू हो गए इनको ये डिजर्व करेंगे कि आपने दोबारा कम से कम जाके रिवाइज करें, और जो चीजें आती जाएंगी उनको कम से कम नेक्स्ट कभी आए तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। या पिछले कई ऐसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं जिनमें मैं सेम स्टेटमेंट बोलता हूँ कि रिवाइज कर लें, कम से कम वो गलतियां रिपीट ना हो। जी ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेटली जो कर लिए जाए सेकंड प्रपोजल की तरफ ध्यान लेके जाए और गेम शुरू करें। यहां तक क्या डिसीजन है, लगा लें एक्सपेंशन प्लान? फॉलोइंग प्रपोजल इस तरफ कब आएंगे अगर बाकियों का प्रॉफिट कम होगा? तो अभी फाइनल शायद डिसीजन नहीं है, अभी एक प्रपोजल हुई है, मैं शायद दो वर्किंग्स अभी और करनी है, अल्फा की फर्दर रिफाइनिंग और एक बीटा की, फिर शायद एक फाइनल डिसीजन होगा कि किस तरफ जाए, और अगर सब तरफ जा सकते होंगे तो सब तरफ कैसे जा सकते हैं? अगर सब में प्रॉफिट होगा तो सब तरफ चला जाए, लेकिन अगर किसी एक की तरफ जाना है तो फिर जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा होगा उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप किसकी वर्किंग शुरू होगी, किसकी वर्किंग शुरू होगी? सर हेडिंग बनाए, हेडिंग 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 कोई हेडिंग बनाओ। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट, पूरा सेंटेंस करवाएं। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट, नहीं अब इधर करूं अब इधर क्या करूं कल, इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट फॉर एल, और फिर लास्ट एक वर्किंग क्या करवाएंगे मुझे पूरा यार, इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट फॉर बीटा। देखिए थोड़ा सा शायद और एक्सप्लेन कर लो, आफ्टर बट आफ्टर रिफाइनिंग या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, देखो इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग, वैसे तो ठीक है रिफाइनिंग प्लांट ठीक है सर। जी सर, अब सारी स्टोरी को जो अभी पढ़ी हमने एक्सपेंशन के एंगल से उसको किस तरफ ले जाए, रिफाइनिंग की तरफ ले चलाएंगे, बट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मैंने एक्सपेंशन सिचुएशन नहीं कहा, बट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फर्स्ट टू लाइंस पिछला पेज, हम इस वक्त चीजें कैसे बेच रहे हैं, एज इट इज बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है कि बीटा तो एज इट इज ठीक है बेच लें,
लेकिन किसको फर्दर प्रोसेस करके बेचे, अल्फा को। अब ये डिसीजन है, तो हमारे इस डिसीजन से कुछ चेंजेस आनी है। करें यार, हिम्मत करें, फिर गलत तरफ चला गया। सबसे पहले शायद फैसला उसी तरह ही होगा जिससे अभी हमने कुछ स्टेप्स पहले लिखे हैं। हमारे रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, ये सही है, मैंने जहां से शुरू किया, तो इस टाइम में हम कितने लीटर्स ऑफ अल्फा रिफाइन कर सकेंगे, क्या यहां से गेम नहीं शुरू होनी चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये जवाब नहीं पूछा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द रिफाइनिंग प्लांट, क्या रिफाइन करना चाहते हैं हम? 150 घंटे रिफाइन करना चाहते हैं, 150 रुपये रिफाइन करना चाहते हैं, मुका दो कम। 5000 घंटों में रिफाइन करना क्या चाहते हैं? अल्फा, सभी इस वक्त अल्फा करना चाहते हैं यार, बीटा, क्या रिफाइन करना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम कुछ रिफाइन नहीं करना चाहते। हम क्या रिफाइन करना चाहते हैं? जो करना चाहता वो कर ले भाई। तो इन 5000 घंटों में हम कितने लीटर अल्फा के रिफाइन कर सकेंगे, कहीं ढूंढे। जी 2651 आंसर आया, क्या आपके ख्याल में ये सही आंसर है? बेटा ये बिल्कुल किधर चले गए, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं, हमने तो सोचना ही छोड़ दिया। ये 2651 क्या है? लीटर। और सर जी ये जॉइंट प्रोसेस के घंटे हैं, लीटर हैं। ये कब बनेंगे अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, और एक्सपेंशन में क्या क्या बनाएंगे? अल्फा बीटा बनाएंगे। अब क्या करना है मेरे भाइयों, अब करना क्या है? रिफाइन करना है। किसे रिफाइन करना है इन 5000 घंटों में? अब सिर्फ किसने रिफाइन होना है? रिफाइन होना है। अब एग्जिस्टिंग टाइम नहीं, एग्जिस्टिंग टाइम में तो क्या होना था, उन्होंने सेपरेट पॉइंट पे आना था। अब रिफाइनिंग के घंटे चाहिए, पॉइंट में आए, डेटा एंड में आए। अब ये लास्ट पॉइंट्स रेलेवेंट है। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट, यहां ढूंढने 150 के है, 68 के है, 68 के है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है, सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है, कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद यहाँ, और इससे ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, उसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के आगे 68 क्या लिखा हुआ है? रुपीज है, 150 रुपया क्या लिखा हुआ है? पर आर है। यहां से क्या निकल सकता है? एक लीटर के रिफाइनिंग का टाइम निकल सकता है। और से देखें 80 देखें क्या है, अगर बीटा की जब वर्किंग करेंगे 80 के रुपए है ना, वो रुपए है, एक लीटर के रुपीज है, और 150 रुपया क्या है? 68 का गौर से देखें, इस टाइम 68 रुपीज है, 150 क्या है? एक पर आ रेट है। मुझे पहले ये सोच के बताएं, घंटा एक से ज्यादा लग रहा होगा या कम? ₹68 हैं, और एक घंटे के रुपीज कितने हैं? तो कितने आवर्स लगते हैं रिफाइनिंग में एक लीटर ऑफ अल्फा को? कैसे वर्किंग करूं मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूं?
रिक्वायर्ड आवर्स फॉर 1 लीटर ऑफ, रिक्वायर्ड आवर्स फॉर 1 लीटर ऑफ एल्कोहल, रिक्वायर्ड रिफाइनिंग आवर्स, ये निकालना है ना हमने, क्या निकालना? रिक्वायर्ड रिफाइनिंग आवर्स पर लीटर ऑफ एल्फा, ये कैसे निकालना, कैसे निकालू सर? बस ठीक है, कोई एक आध करवा दे, सबकी तरफ से हो जाएगा। 68 डिवाइड बाय 150 निकला क्या यहाँ से? ये 68 क्या है? नहीं, 68 पहले क्या, प्लीज 68 क्या, 68 रुपीज है और 150 रुपये एक घंटे का, तो 150 रुपये से 68 तक हम कैसे आए होंगे? नहीं 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 हम आए कैसे होंगे? 68 तक पहुंचे कैसे होंगे? हमने कुछ घंटे लिए होंगे, हमने घास लिए होंगे और आज को 150 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आया होगा? 68, ये ठीक है, 68 रुपीज आंसर आया होगा। हम वापस कहाँ जाना चाहते हैं? आज की तरफ, कैसे जाएं? 68 डिवाइड बाय 150, ठीक है जी, क्लियर? तो बताएं इधर आंसर क्या आ रहा है, अब राउंड ऑफ कर लीजिएगा, मेरा पॉइंट्स में आ रहा है 0.45। 10 पर आ, पॉइंट फोर फाइव आर्स पर लीटर, ये ठीक है जी, सही कह रहा है। जी सर, ये आर्स फाइंड आउट किए ना मैं, आर्स कई आर्स निकले, लीटर्स निकले हैं, फाइंड आउट तो आर्स किए लेकिन डेफिनेटली निकलेंगे लीटर। अगर घंटे निकालेंगे तो लीटर निकला करेंगे, क्या यही साइंस समझी हमने? प्लीज क्या निकला सर, क्या निकला, कौन से आर्स निकले? तो निकले होंगे। नेक्स्ट वर्किंग करते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ या रिफाइनिंग ऑफ रिफाइंड लीटर्स ऑफ, रुक जाए सर, रुक जाए, पहले देखो, रिफाइंड लीटर्स ऑफ अल्फा इन 5000। यहाँ ऊपर जो दो फिगर्स आई हैं, ये पहले जरा दोबारा फाइंड करते हैं, 5000 में निकाले। रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी, अगले लाइन में मैंने क्या लिखा, 1 लीटर ऑफ अल्फा ने अगर रिफाइन होना है तो कितना टाइम लगेगा? अब आपने डिसाइड ये करना है, क्या डिसाइड करना बोलते आप बताइए, कि इन 5000 घंटों में कितने लीटर्स रिफाइन किए जाते हैं। तो मैंने जो वर्ड्स लिखे सही है, कुछ रिफाइंड लीटर्स ऑफ अल्फा इन 5000 आवर्स, कैसे करेंगे? करने से पहले दोबारा सोच लें, 5000 घंटे हैं और 0.45 आवर्स है, एक से कम घंटा लग रहा, एक से कम घंटा लग रहा, 0.45 घंटे लग रहे, एक से कम लग रहा, क्या ज्यादा लीटर्स बन जाएंगे इन घंटों में? 5000 से ज्यादा लीटर होंगे या 5000 से कम? यहां तक दो लाइनें भी लिख लो और आखिरी आंसर फाइंड आउट कर लो। पांच हजार घंटे अवेलेबल हो जाएंगे रिफाइनिंग प्लांट पे, हो जाएंगे सर, और अगर 1 लीटर को रिफाइन करने में 0.45 आवर्स लग रहे हैं तो हम फिर कितने लीटर रिफाइन कर लेंगे इस टाइम में? हम कितने लीटर रिफाइन कर लिया करेंगे? वर्किंग कैसे करें? 5000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4545 डबल वन ट्रिपल वन क्या है?
liters in how many hours? In 5 hours. ठीक है ना, प्लीज आप क्लियर। मैं एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि कुछ आप हिम्मत करते, लेकिन चले एट द एंड ऑफ द डे बात ठीक है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन तो नहीं। फिनिशिंग टच दें जरा, नहीं अब मेरा ख्याल कल जैसी बात होती है जो या क्लास के स्टार्ट में जो शुरू हुई। एक है ज्वाइंट प्रोसेस, उसमें अल्फा और बीटा की डिफाइनिंग हो रही है, ऐसे सॉरी अल्फा और बीटा की प्रोडक्शन हो रही है। हम डिसीजन ये ले रहे हैं कि क्या अल्फा को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तब हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल खर्चे। क्या डिसीजन होने लगा? क्या अल्फा बीटा बनाएं ये डिसीजन होने लगा, या अब ये डिसीजन होने लगे कि अल्फा को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिसीजन लिया कि अल्फा और बीटा को एज इट इज और कितना बना लें एक्सपेंशन करके। अब डिसीजन क्या है? अल्फा को फर्दर प्रोसेस करके बेचे या ना बेचे, रिफाइन करें या ना करें। तो अब मुझे क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो ये लास्ट दो तीन बातें जरा पहले करवा दूंगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकालना? चलिए मत करें फिगर, बोल रहे डेटा, बोल रहे डेटा, बोल रहे डेटा, बोल रहे डबल वन ट्रिपल वन मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 1380 कहीं ढूंढना है। क्या था वो? क्या है वो? सेल प्राइस कब होगी? 1000 तो वैसे ही मिलता है। किस स्टेज पे? किस स्टेज पे ही मिल जाता है, तो उसको माइनस क्यों किया मैंने? ताकि मैं ये देख सकूं कि फर्दर प्रोसेस के कितना और रेवेन्यू कमाया जा सकता है। 1000 तो एज इट इज ही मिलता है, 1000 तो कहां तक मिलता है, फर्दर कितना मिलेगा? यकीनन बेच के टोटल कितना मिलेगा ये भी क्लियर है, 1380 मिलेगा। तो बेच के तो अगर रिफाइन करके बेचेंगे 1380 लेंगे आप, लेकिन 1000 तो कहां तक मिलता ही है, तो फर्दर कितना मिलेगा पर लीटर? 380। फिगर आ जाएगी, उसको छोड़ दो, आगे बताएं क्या करें। अब इंक्रीमेंटल खर्चे लेने, मैंने इंक्रीमेंटल खर्चे तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। कोई इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट है ढूंढे कहीं तरह, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले 765 आपने निकाला था, ढूंढे जल्दी जल्दी ढूंढो 765 क्या था? पूरा बोलना है, पूरा बोलना है, पूरा बोल क्या छोड़ना है, बोल के ही छोड़ना है आज। 765 क्या था? नो 765 पर लीटर क्या था? ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की थी, सोचे जरा इस एंगल से। क्या इसने इंकर होना ही है चाहे हम रिफाइन करें या ना करें? 765 पर लीटर ने खर्चा होना ही है। हम क्या देखने लगे हैं? रिफाइनिंग का इंक्रीमेंटल खर्चा की नजर आता कहीं? बताएं सवाल में किस जगह है? सवाल में किस जगह है? किस जगह है? एंड में है, एंड में है। कौन कौन सा खर्चा है? 90 रुपए, 90 रुपए भी है और जमा 68 भी है, तो इसमें से माइनस कुछ नहीं करना। ये है ही कौन सा? ये है ही इजाफी खर्चा जो कब इंकर होगा? जब रिफाइनिंग होगी, तो इज इक्वल टू, सॉरी जो भी इज इक्वल टू आएगा इसको करेंगे क्या? 90 और 68 पर लीटर है सर, पर लीटर है सर, तो मल्टीप्लाई किन लीटर से करूंगा? डबल वन ट्रिपल वन, ठहरिए आराम से लिखिए बाबू। तो यहां से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। आगे चले जरा, क्या कुछ इजाफी फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे? अगर हम रिफाइनिंग करेंगे तो क्या रिफाइनिंग की वजह से कुछ इजाफी एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी इंकर करेंगे सर? करेंगे सर, कौन सी अब करेंगे? अब कौन सी करनी पड़ेगी? वंस अगेन पर मंथ वर्किंग है, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल कितनी होगी? 500 इस केस में। और क्या डेप्रिसिएशन फिर एक्सपेंशन प्लांट की होगी या रिफाइनिंग प्लांट की होगी? तो रिफाइनिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन की वर्किंग में
करवाए करवाए करवाए, फिक्र बोले 25,000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 20, गलती कोई नहीं, 1/12 क्यों, आंसर करो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा साथ नहीं प्लीज। अल्लाह करे ये सवालात हमारी को नींद उड़ा दे, नींद तो रहना, सॉरी नींद तो पहले उड़ी हुई है, तो हमें कन्विंस कर सके कि हमने आज से पढ़ाई शुरू करनी है। कर लेंगे इतनी जल्दी क्या, क्यों सलमान, एंड में इकट्ठा ही पढ़ेंगे आखिरी दिन, जरा ताजा ताजा याद रहेगा। नहीं कोई यार सॉरी, और उसके बाद फिर फाइनल शायद डिसीजन होगा कि एक्सपेंशन की जाए, अल्फा को रिफाइन किया जाए या बीटा को रिफाइन किया जाए, वो डिसीजन तो डेफिनेटली अभी किस चीज पे डिपेंडेंट है। पर्सन साइलेंट है जी सर, ये थर्ड जो इसका हिस्सा रह गया, कौन सा हिस्सा रह गया, वो होमवर्क दे सकते हो? अच्छा आपने करना ये है कि उसका आंसर देखना नहीं है बुक में, थोड़ा सा वहां एक दो लीटर राउंड ऑफ हुआ है, आपने आंसर खुद बनाना है, किसको देख के बना लेंगे आप आराम से, अल्फा को रिवाइज कीजिएगा और खुद से कैंडी इंडिविजुअल कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं कल फिगर्स लिख देंगे तो फाइनल डिसीजन ले लेंगे। एक छोटा सा काम जरा और करना, आपने लिमिटिंग फैक्टर आया था कुछ दिन पहले, एक दो क्वेश्चन लिखे जरा उनकी कुछ शॉर्ट सी रिविजन करके आनी है कल। क्वेश्चन नंबर 2 कंबर को घंटा देना है प्लीज। सबसे पहला काम ये जी केमिकल्स जहां तक हो सके, उसके बाद कंबर ढूंढिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसी डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन नंबर 2 था, और एक ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आर्टरी, आर्टरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो कैंडी इनको रिवाइज करके आएगा, इंशाल्लाह ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा। ये कंबर एंड आर्टरी पेज नंबर 338, पहली वाली में किधर है?
को सफ़े याद है, प्लीज ढूंढ ले यार, इधर ही कहीं होगा। मैं मनु सर ही, मैं सफ़े कैसे याद करूं पुरानी बुक का, सफ़ा नंबर कौन सा? इंशाल्लाह आइंदा से याद करके आऊंगा। अल्लाह हाफिज़ यार, ढूंढ ले, इसी में एक एक्स्ट्रा कसीट का सेट होगा, इसी में होगा। जजाक अल्लाह हाफिज़।